पूरी इमारत खड़ी कर दी इन्होंने है 2 हफ्ते में। ये देखो सलमान ने ना बांदर टोपी पहनी हुई है, पाकिस्तान में इसको कहते हैं बांदर टोपी, लेकिन लेकिन यहाँ पर पीयर प्रेशर में सलमान साहब ये पहन के जा रहे हैं, क्योंकि सलमान साहब के स्कूल में हर वक्त क्या कहते हैं, आर यू रिच, छोटी छोटी बातों में बच्चे कहते रहते हैं यू आर नॉट रिच और यू आर रिच, किस किस बात पे कहते हैं, हर बात पे। सर्दियों का एक तोहफा ये भी होता है, जब पहली दफ़ा ओवरनाइट होती है ना तो सारे टायरों में से हवा कम हो जाती है जब ओवरनाइट फ्रीज हो, और एक दफ़ा फिर होगी दोबारा जब टीन्स में टेम्परेचर जाता है, बाहर निकल के टायर चेक करने पड़ेंगे। तो ये जो घर हैं ये होते हैं ओल्ड होम्स, इनमें सिर्फ जो हैं बड़ी उम्र के लोगों के होते हैं, 65+ और उससे कम लोग नहीं रह सकते। इस तरह ये जो हैं ये भी ओल्ड होम्स हैं, ये आप देख सकते हैं सारे सिंगल स्टोरी होते हैं, इनमें डबल स्टोरी नहीं होता, और ये जो है इसमें शर्त होती है आप 65+ हो, आपके कोई बच्चे ना हो ताकि नेबर्स आपके तंग ना हो, लेकिन इसके साथ ही ये डबल स्टोरी हैं, ये सबसे ज़्यादा अच्छे हैं, ये अपार्टमेंट्स नहीं है, इनको कहते हैं कॉन्डो होम्स, ये नीचे से ऊपर तक तीनों फ्लोर आपके पास होते हैं। उसका तरीका क्या होता है कि अगर तो इसमें एक बालकनी है तो वो कॉन्डो है, और अगर उसमें एक से ज़्यादा बालकनी है इसका मतलब है कॉन्डो अपार्टमेंट्स हैं। सड़क जो है ना वो खोदता जा रहा है, पहले उन्हें कर लिया और उसके बाद उसकी कटिंग करके, तो ये मशीन है ये सारा जो कटा हुआ है ना उसको उठाई जा रहा है, काफ़ी सारा उन्होंने बना दिया है। अगर आप देखें अंदर से सपोर्ट लगाई भी है उसको खड़ा होने के लिए, सहारा दिया हुआ है अंदर से। इस तरह ये अपार्टमेंट बनाए हुए हैं, ये इनका क्लब हाउस सा होता है अपार्टमेंट्स का जो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये असल अपार्टमेंट्स हैं। तो ये अपार्टमेंट बिल्डिंग है ये वाली, ये जो, लेकिन साथ में कुछ ऐसी भी हैं जो कि कॉन्डो अपार्टमेंट्स हैं, तो ये मिक्स होती है, कुछ हैं जो ऊपर से लेके नीचे तक सारे आपके होते हैं और कुछ जो हैं वो फ्लोर होता है। इसमें जो 2 बेडरूम्स ऊपर से लेके नीचे वाले सारे थे वो मुझे पसंद आया था, लेकिन उसके बेडरूम बड़े छोटे थे तो वो 1600 का था। अब ये है इसके एक बालकनी है तो ये कॉन्डो है, लेकिन अगर आपको कहीं से दूर से नज़र आए कोई तो वो अपार्टमेंट है। तो ये जो चीज़ है ना इसे कहते हैं लाइफ सेवर, इस $70 का मैंने $100 का लिया था, तो अब ये $70 के भी मैंने देखे हैं लेकिन वो इतने पावरफुल नहीं होते, ये अभी 30 पे है, इसको 33 पे होना चाहिए था, तो जब भी ठंड आती है सारे टायरों से ऑटोमेटिकली हवा जो है वो श्रिंक हो जाती है, तो इस चीज़ का जो फ़ायदा है इसने बड़ी दफ़ा काम आया और बड़ी दफ़ा इसने परेशानी से बचाया, तो लग रहा 30 से भी कम है। अभी सिर्फ ड्राइवर साइड वाले दोनों टायर किए हैं तो साइन चला गया, लेकिन फिर भी बाकी दोनों भी चेक कर लें क्योंकि आजकल में उनकी भी हो ही जानी है। तो ये जो है ना ये मैं हर बंदे को रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपके अमेरिका में है और गाड़ी है आपके पास तो ये ले कर रख लें, ये $100 जो है ना ये आपको $1,000-2,000 की बचत करवाएंगे, क्योंकि अगर आपका रोड साइड पे हो जाए हवा कम है आप भर के चलाते रहते हैं तो आपको ना टो कॉल करनी पड़ती है ना कहीं ले कर जाना पड़ता है, एमरजेंसी जो एमरजेंसी रिपेयर होती है वो फिर आपसे ज़्यादा ही चार्ज करते हैं। साइन नहीं आ रहा लेकिन देख सकते हैं 30 पे ही है, तो ये भी साइन कल तक आ जाना था इसकी वजह से भी कर लिया है, चारों टायरों में हवा डाली है, लिटरली मुझे इस काम में शायद 5-10 मिनट लगे हैं, बार बार जो है ना बड़ी तेज़ी स्टार्ट होती है फ्रीजिंग रेन और फिर हल्की हो जाती है, तो बस इतना ही हुआ है कि हाथ जो है ना वो इतने ठंडे थे कि वो उसकी लगती नहीं थी। लेट्स गो, चलो इसकी भी वीडियो बना लें, ऑल द वे उसका पूरा फ्रंट जो है ना वो बन गया हुआ, अब सिर्फ साइड की रह गई है, अब इधर से नज़र नहीं आ रही होगी, अब नज़र आएगी, सारा जो है ना फ्रंट बन गया और वो अंदर स्पोर्ट्स लगी नज़र आ रही हैं। ये बिल्कुल नए अपार्टमेंट्स बन रहे हैं ब्रांड न्यू,
इनका अभी तक हमें पता नहीं है, लेकिन अजलान का बड़ा दिल करता है इधर घर लेने का। अजलान कहता है कि बाबा इधर घर ले लें। मैंने अजलान को पूछा, मैंने कहा फिर आप मस्जिद से दूर हो जाओगे, आप तो कहते हैं मैंने मस्जिद के पास रहना है। तो अभी अजलान ने फिलहाल कह रहा है नो, बट लेट्स सी। आज अजलान साहब ना ये तोड़ के ले आए, और मेरा दिल चाह रहा है कि मैं इसकी पिटाई कर दूं। अब मैं ये डिलीट करूंगा। नहीं, डिलीट करेगा। हाँ हाँ। नतीजा निकला है, ये जो है ना ये टूट गया। तो अजलान साहब जो है ना उनके, उन्होंने दो तो स्कूल में चोरी हो गए उनके 3x3, तो अब वो नया नहीं लेके देना। और ये वाला भी जो है, ये एक दफ़ा इसने पहले तोड़ा था, मैंने फ़िक्स कर दिया था, इस दफ़ा ये नहीं हुआ क्योंकि ये बहुत टफ़ होता है। तो अब अजलान साहब के पास एक रह गया, और उसके बाद अजलान साहब जो दोबारा, अब मुश्किल है अजलान साहब के लिए बहुत ज़्यादा। बर्फ़ स्टार्ट हो गई है, रोज़ाना ही थोड़ी थोड़ी बड़ा करेगी, और फिर जब बड़ा तूफान आएगा तो फिर हर तरफ सफ़ेद ही सफ़ेद रहेगा। आज तो सवेरे सवेरे कम पक गया, देखें क्या बनता है। लेकिन स्नो की कोई पेशन गोई तो नहीं है, तो ये बस वही एवरी डे डेली कोटिंग होगी।